अच्छा माना जाता है और अच्छे दर्शक भी मिलते हैं, खिलाड़ी भी मिला करते हैं। जिग्ना ने अपना खाता खोला, इसी के साथ मुकाबला दो लोगों के बीच में आपको देखने को तो मिल रहा है। लगातार दर्शक बने हुए हैं, अपने आप को एंजॉय भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन ये कार्यक्रम आप जान खिलाड़ी जितना बेहतर खेलेगा, जितना भी कलात्मक तरीके से, तो लगातार दर्शक बने हुए हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। अब देखना है क्या करते हैं। लहरा इस समय बनी हुई है, तीन पर जिगना बनी हुई है, एक पर अब है लहरा का चांस, क्या करती है देखना है। और लहरा ने बड़े ही आसानी से, बड़े ही चालाकी के साथ में इस मुकाबले में, जब कटोरा स्टेडियम में हो रहा था वहां पर इसने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी और और आई ने उसमें जीत हासिल की थी। तो इसी के साथ एक पॉइंट के साथ फिर जुड़ता हुआ लहरा का स्कोर जा पहुंचा है 5-1। फिलहाल कहीं न कहीं जिगना को समझना होगा, चालाकी कुछ न कुछ दिखानी होगी। और इसी के साथ प्रहार करने की कोशिश, अच्छा प्रहार किया लेकिन दो सीधा फाउल और वहां पॉइंट नहीं मिलेगा। एक पॉइंट के साथ एक दर्शकों की बात जहाँ किया जाए तो देखते हैं और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से सड़क पर बिल्कुल अपने वाहन को बेखौफ तरीके से डर का किसी भी प्रकार का खोया ले रहे हैं। तो जहां बात की जाए दुर्घटना की, तो दुर्घटना बता के नहीं आती, आप थोड़ा सा सड़क छोड़ दें या फिर आप गाड़ी के पीछे पेड़ के पीछे पार्किंग की व्यवस्था ला के वहां खड़ी कर दें। उचित व्यवस्था भी है आपके लिए, आप उस स्थान पर। तो सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप किसी भी प्रकार से दुर्घटना से बचने के लिए वहां से हट जाएं। बिल्कुल कहा जाता है जैसे भी आप बाइक अगर तेज चलाते हैं तो आपका देर होने से दुर्घटना से भले है कि आप थोड़ा देर पहुंचे, क्योंकि ज्यादा देर होता नहीं। इसीलिए जानते हैं कि रोड पे जो आवागमन होता है बाइकों का या फिर मान लीजिए मोटर कार का या फिर बसें हैं, ये आती जाती रहती है। इनका मान लीजिए कभी तरकीब रखे, अच्छे से रखे और चोर रखे सुरक्षित रखे। तो इसी के साथ लहरा पहुंची है नाव पे, जिगना है अभी दो पे, लेकिन है दोनों टीमों की खिलाड़ियों का जो मुकाबला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है बहुत जिस तरीके से बनाई हुई है लहरा, कहीं न कहीं ये स्थान बना लेगी और इस टीम को कहीं न कहीं जिगना को एक लहरा की टीम जिस तरीके से उतरी है वहां से तो लगता नहीं कि जिगना की वापसी हो पाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए अंक मिलेगा, अंक मिलेगा लहरा को। तो बहुत ही खूबसूरत खेल खिलाड़ियों के माध्यम से लहरा की टीम को खेल जाए तो उसे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम मानी जा सकती है। तो अच्छा खेल खिलाड़ियों के द्वारा, वैभव जो अभी तक हल्के हाथों से खेल रहे हैं, आगे भी जब अच्छी टीम को मिल सकता है तो बड़ा ही खूबसूरत खेल खेला करते हैं ये खिलाड़ी, चाहे लहरा हो, चाहे मंडोर हो, चाहे आपकी कमाशीन हो, हमारे जगतपुर हो या फिर आई गोल्डन क्लब। अभी आपने देखा गोल्डन क्लब का प्रदर्शन जिस तरीके से, बिल्कुल पतले पतले शरीर पूरे खेल का प्रदर्शन किया और जीता अपनी टीम के लिए पहला मैच। इस मैच के बाद Okay.
परम आदरणीय आप बड़े भैया जमशेदपुर ग्राम सभा से प्रधान भूतपूर्व प्रधान रह चुके अजय कुमार यादव साहब भैया जो इस समय वो टीचर के पद पे है और उनकी तरफ से 501 रुपए का के माध्यम से इस टूर्नामेंट में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देने के साथ साथ एक आग्रह करते हैं कि आप मैच के आखिर तक बने रहने की कोशिश करें। अध्यापक मास्टर साहब पंकज यादव जी जो जमशेदपुर के निवासी बलसिंहपुर के रहने वाले हैं इनकी तरफ से 500 रुपए का भी सहयोग आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मास्टर साहब। आपसे भी आग्रह होगा कि आप मैच के आखिरी क्षण तक बने रहें। और नहीं हुई है छापे तो कहीं ना कहीं मैच जो है अपना पैर पसार रखा है लेहरा ने बड़े ही आसानी के साथ। मुझे लगता है कि ये मैच सीधा लेहरा के खाते में जाएगा और अगले मैच के लिए भी अच्छी तैयारी और रणनीति के साथ लेहरा उतरेगी। जो अगला मैच खेला जाएगा भरत जी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो अगला मैच खेला जाएगा उसका अनाउंस करें। समस्या होती जरूर है लेकिन थोड़ी सी जंप लेने के बाद बाल को समझ गया खिलाड़ी शुभम जिनका नाम है एक नंबर का खिलाड़ी और आला दर्जे का प्रहार विधायक अंतर्जित किया अपने टीम के लिए। ध्यान दें मैच लगभग आखिरी छोर की तरफ जाता हुआ तो लहरा है तो इस नौ है जिगना वही तो युवा क्लब और नरहरपुर के खिलाड़ियों को भी बताना चाहेंगे कि आप अपने सभी खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड पर पहुंचे। एक बात फिर से तो लास्ट पॉइंट होगी टीम लहरा की तरफ। टीम जीतेगी उसको 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लहरा उसके मालिक होते हैं। जी हाँ लहरा के कप्तान आपसे आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय भैया राम यादव रोचर की तरफ से आपको मैच जीतने पर 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा तो आप आए अपना पुरस्कार अर्जित करें। कप्तान लहरा